केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आ रहे हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर अंचल आ रहे सिंधिया के स्वागत में समर्थकों ने पलकें बिछा दी हैं। ग्वालियर शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहली बार ग्वालियर में जोर शोर से स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। ग्वालियर का वो हर रूट दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को होकर निकलना है। यूं तो सिंधिया पहले भी ग्वालियर आते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका आना कई मायनों में खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री बनने के बाद पहली बार उनके कदम खुद के सियासी जमीन पर पड़ने वाले हैं, लिहाजा उनके स्वागत में पूरा शहर पलक पावड़े बिछा कर तैयार है। और हो भी क्यों ना, केंद्र में मंत्री बनते ही सिंधिया ने सबसे पहले अपने घर का ख्याल रखा। ग्वालियर से न सिर्फ फ्लाइट की संख्या बढ़वाई बल्कि विकास योजनाओं की भी बौछार लगाई। उनके इसी काम पर तो ग्वालियर की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता निहाल हैं। जिस बारिश में शहर की सड़कें उखड़ने लगती थी, वो 2 दिन में चमक उठी। तुलसी सिलावट ग्वालियर में डटे रहे और सड़कों को दुरुस्त कराते रहे, ताकि महाराज के स्वागत में सड़कों पर कोई खलल न पड़े। हालांकि ये भी सच है कि अगर सिंधिया ग्वालियर नहीं आते तो शायद इन सड़कों को देखने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन सिंधिया के आने से पहले सड़कों को बनवाकर सिलावट ये संदेश भी दे गए कि सिंधिया के लिए अपने घर का विकास कितना अहमियत रखता है। हालांकि सियासी गलियारों में इसे शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़ कर देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि अपने घर में सिंधिया को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो यहाँ पर आ रहे हैं और जिस प्रकार की तैयारियाँ दिख रही हैं, पहले तो कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि ऐसा उत्सव का क्या कारण है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में पहले से ही दूसरी लहर के कारण अनेक मौतें हुई, उसके बाद दूसरी आपदा आ गई बाढ़ की। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि परिवार का मुखिया जो अपने आप को कहते हैं सिंधिया जी, ऐसी दुख की घड़ी में वे करोड़ों रुपये खर्च करके और अपना स्वागत करवा रहे हैं। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा में तो मुझे लगता है कि अब और कोई नेता इस अंचल में बचे ही नहीं है। अगर उनके कैडर की बात भी करेंगे, पोस्टर पे बैनर पे देखेंगे तो जितने स्थापित लीडर थे वो तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में। तो मुझे लगता है हाँ, भाजपा का जरूर अस्तित्व खत्म हो गया है और अब यहाँ लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सिंधिया सरकार है। बीजेपी चाहे जो भी दलील दे, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि रोड शो से बीजेपी के पुराने नेताओं के रंग फीके पड़ने वाले हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभात झा का सिक्का चलता था, लेकिन जैसे ही सिंधिया बीजेपी में आए, उनके आगे बाकी नेताओं का कद बौना होने लगा। ये बात बीजेपी के कद्दावर को भी पता है, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सिंधिया की वजह से प्रदेश में सत्ता मिली है। सही मायने में देखा जाए तो सिंधिया ने ये साबित भी किया है, और इसीलिए तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक उनका सिक्का चल रहा है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।